हाय एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए सोयाबीन का कचौरी का रेसिपी लेके आई हूँ और बच्चों के लिए इजी लंच बॉक्स और इजी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको आटा गूंद के मोटा कपड़े से ढकना है और बड़ा बड़ा पेड़ा बना के कचौरी बनाना है। बच्चों के लिए एक कचौरी सफिशियंट है और बड़ों के लिए दो कचौरी सफिशियंट है। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, अब हम बच्चों के टिफिन पैक कर लेते हैं। अब मैं स्कूल का लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर लिया हुआ है फ्रेंड्स, और सोयाबीन बहुत एनर्जेटिक होता है। मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी और बटर पेपर से रैप कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बटर पेपर का यूज कर रही हूँ, मैं इस पे डाल दूंगी। आप चाहेंगे तो दो कचौड़ियां भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉस डाल दिया है और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स के लिए थोड़ा सा एप्पल कट कर दिया है। अगर आप चाहेंगे तो इस पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं आप, और बच्चे बिल्कुल छोटे हैं तो ब्लैक पेपर अवॉइड कर दीजिए, और ये ब्लैक सॉल्ट आप डाल सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से पैक कर दूंगी फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पे केचप भी डाल दिया है फ्रेंड्स। आप बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप दो कचौड़ी भी डाल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं पैक कर देती हूँ। केचप को स्प्रेड करने के लिए स्पून चाहिए तो मैंने स्पून भी डाल दिया है। अब मैं इसको पैक कर दे रही हूँ। तो आप इसी तरीके से ऑफिस के लिए भी टिफिन दे सकते हैं और रायता वगैरह डाल सकते हैं आप इसमें। सो हाय एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए सोयाबीन का कचौरी या सोयाबीन का पूरी का रेसिपी लेके आई हूँ। ये हिमाचली डिश है, ये हिमाचल में बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये रेसिपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप इसको लंच पे भी ले जा सकते है, टिफिन पे भी डाल सकते हैं, घर पे भी अच्छी तरह से खा सकते हैं। और ये सोयाबीन को मैंने ओवरनाइट सोक किया था, मैंने रात को ही भिगने डाल दिया था, और इसको मैंने ड्रेन आउट करके दो तीन बार वॉश करके यहाँ पे रखा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार लिया हुआ है, इसको मिक्सी में डाल देंगे। यहाँ पे मैंने ऑनियन लिया हुआ है, दो मीडियम साइज का ऑनियन को बड़ा बड़ा पीस में कट किया हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अदरक भी लिया हुआ है, अदरक भी डाल दूंगी, और साथ में लहसुन भी है फ्रेंड्स, तो मैंने इसको डाल दिया, इस तरीके से डाल दिया है। यहाँ पे मैं हल्दी भी ले रही हूँ, और ये रेड चिली पाउडर है, ये इसको भी ऐड कर दिया मैंने। सॉल्ट भी ले लीजिएगा, ग्रीन चिली भी ऐड कर रही हूँ, आप ड्राई साबुत मिर्ची भी डाल सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पे हींग भी डाल रही हूँ फ्रेंड्स। ये हींग को हमने पानी में डाल के रख दिया था, ये चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जीरा, धनिया और गरम मसाला पाउडर को मिक्स करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं सॉल्ट और डाल रही हूँ, क्योंकि वो जो मैंने डाला था मैंने वो कम पड़ जाएगा। अब इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड करूंगी। सो अब ये अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर दिया है फ्रेंड्स, रफली ब्लेंड करने से भी हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे निकालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। जब इसको ब्लेंड किया तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाला है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना सा जो है वो बेस्ट है। सो मैंने सोयाबीन की कचौरी के लिए यहाँ पे मैंने आटा लिया हुआ है, तो इस पे मैं अजवाइन डाल दूंगी। अजवाइन डालना जरूरी है फ्रेंड्स, अजवाइन जरूर डाल लीजिए। यहाँ पे बेकिंग सोडा डाल रही हूँ मैं, यहाँ पे धनिया पाउडर और कस्तूरी मेथी पाउडर डाल रही हूँ। इसको सुखा के हमने हाथ से क्रश करके बनाया है। सॉल्ट इस पे ऑप्शनल है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि हमने स्टफिंग पे भी ऑलरेडी सॉल्ट डाल दिया है। तो अब मैं इसको हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, इसका मैं सॉफ्ट डो बनाऊंगी। तो अब मैं इसको 10-15 मिनट तक ऐसे बंद करके रख देती हूँ। सो मैं अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, अब इसको मैं एक साइड पे रख देती हूँ। डो भी हमारा बिल्कुल सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, इसको
स्लाइटली बेलना है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से स्टफिंग को डाल के पैक करेंगे। इस तरीके से पैक कर दीजिएगा, किसी भी तरीके से इसको बंद कर दीजिए। अब हम इसको स्लाइटली बेल देंगे, बस ये रेडी हो गया है। ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, टिफिन के लिए बिल्कुल बेस्ट और अच्छा है फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको भी मैं रख देती हूँ, थोड़ा सा ऐसे हो गया तो कोई बात नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा बड़ा बेल के इसको स्टफिंग डाल दीजिए, फिर नहीं फटेगा ये। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सोयाबीन का कचौरी बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको फ्राई करूंगी और यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है, मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी होता है, बहुत यम्मी होता है। आप जरूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, ये इजी रेसिपी और हेल्दी है। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी हो गया, ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो मैं फिर से फ्राई कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल है, इसमें थोड़ा स्मेल भी होता है। अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए इसको। तो हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। इसको बटर, मक्खन, मलाई, रायता किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मलाई डाल रही हूँ फ्रेंड्स, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग मिल्क टी है। ये बेस्ट ब्रेकफास्ट है फ्रेंड्स, इसके साथ अचार भी ले सकते हैं या फिर रायता, मक्खन, बटर किसी भी चीज के साथ आप चाहेंगे तो आप सर्व कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो कोई भी अचार ले सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी हो गया। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरा साथ देके फुल वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।